के अलग अलग अंग श्रीमद् भागवत के अलग अलग स्कंद हैं, लेकिन वो अंदर क्या सोच रहे हैं, उनकी भावना क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके अंदर प्रेम कितना है, यह हम देखते हैं चैतन्य चलता है। भक्तों के साथ आदान प्रदान, उनका जीवन, उनका प्रेम, उनकी माधुरी मां चैतन्य चैतन्य देखने के लिए हमको। यद्यपि कभी कभी थोड़ा कठिन व्यवहार भी करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं और आगे थोड़ा करेंगे, आज की एक शुरुआत इसी तरह होगी, लेकिन उसमें फिर भी करुणा कैसे छुपी हुई है वह हम देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो षडैश्वर्यों में पूर्ण है, हम जानते हैं कृष्ण षडैश्वर्यों में पूर्ण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये वैराग्य का ईश्वर ऐश्वर्य जितना प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं शायद कृष्ण नहीं दिखाते। विरास लीला में कौन सा वैराग्य समझ में नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में वैराग्य ऐश्वर्य भी देख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं महाराज प्रताप रुद्र का किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनुराग क्रमशः धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैसे वो सारे गौ भट्टाचार्य के समीप जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य भी उन्हें चैतन्य महाप्रभु की गुणगान बताते बताते उनको बता दिए कि यह स्वतंत्र ईश्वर है, साक्षात भगवान है। और महाराज प्रताप रुद्र बिना किसी तर्क किए उस तथ्य को स्वीकार करते हैं। उनके मन में प्रश्न आता है कि इस प्रकार पीठों को छोड़ने के क्यों गए, तब सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं कैसे स्वतंत्र ईश्वर भगवान है, और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको सेवा मिला है, कैसे आप महाप्रभु के रहने की व्यवस्था कीजिए। प्रताप रुद्र काशी मिश्र के घर में चैतन्य महाप्रभु का निवास था, ठीक करते हैं, जिसको अभी हम गंभीरा नाम से जानते हैं, और बाद में चैतन्य महाप्रभु का पूरी आगमन होता है, सभी भक्तों से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, और मिलने के बाद अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। जैसे स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के सचिव बनते हैं, गोविंद महाप्रभु के निजी सेवक बनते हैं, वाणीनाथ चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की टीम रेडी रहती है। अभी इसी बीच महाराज प्रताप रुद्र फिर पुनः पुरी आते हैं, बीच बीच में कटक जाया करते हैं, अलग अलग जगह जाया करते हैं, फिर पुरी वापस आते हैं, और पुरी आकर के फिर से सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलते हैं। सार्वभौम अरदिने सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने अभय दान। ओ अध्याय 11 मध्य लीला अध्याय 11, अब साथ साथ में देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अध्याय 11 श्लोक संख्या 3 मध्य लीला, इस अध्याय का नाम है बेड़ा कीर्तन, बेड़ा कीर्तन परफॉर्मेंस, तो बेड़ा कीर्तन मतलब होता है जब मंदिर की परिक्रमा करके कीर्तन किया जाता है। आपने मायापुर में देखा होगा, वृंदावन में भी देखा होगा, उज्जैन में भी देखा होगा, तो कीर्तन करते हैं परिक्रमा करते हुए, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, और इतना उदंड कीर्तन किया था कि जो नाचने वाले थे वो पागल हो गए, गाने वाले पागल हो गए, और इसी बीच अद्वैत आचार्य का पुत्र इतना मगन होकर के नृत्य कर रहा था कि बेहोश होकर के नीचे गिर गया, उसकी सांस का बंद हो गई, सारे भक्त रोने लगे, अद्वैत आचार्य भी रोने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु उस बालक के वक्ष स्थल पे हाथ रख करके बोलते हैं उठ जा, फिर से उठ करके नाच कर रहा था। तो बहुत ही लेकिन उसकी शुरुआत होती है महाराज प्रताप रुद्र के पुरी आगमन से। तीसरे श्लोक से हम लोग पढ़ रहे हैं, यह लीला यद्यपि हमने बार बार सुनी है, लेकिन जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमारा हृदय आकर्षित होगा चैतन्य महाप्रभु की तरफ, उतनी बार ही हमारे अंदर वह प्रेम उमड़ेगा
और जितनी देर पढ़ेंगे उतनी देर ही उड़ेंगे, जब वो बंद कर देंगे तो फिर खत्म हो जाएगा, ये सप्लाई उतनी देर ही चलती है। एक बार एक जेल से चार कैदी बाहर गए और जब पुलिस को पता पड़ा, उन्होंने वो कारागृह में जाकर के देखा तो सुरंग बनाई हुई थी, और कितनी लंबी सुरंग बनाई थी, 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई। अभी दिन भर तो सिपाहियों का पहरा रहता था, रात में पहले तो ये देखना कि सिपाही कब सोएंगे, कब उनके कोई नजर कम होगी, तब वो खोदना शुरू करते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं। और 4 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदने की कितनी मेहनत चाहिए। तो ये पुलिस वाले इस चीज को देख करके आश्चर्यचकित थे कि इतनी प्रेरणा मिली कैसे, 4 किलोमीटर लंबी सुरंग को खोद देना। तो उनके कारागृह से एक किताब मिली, वो किताब थी फेमस प्रिजन एस्केपिस्ट, जो सबसे प्रचलित जेल तोड़ के भागने वाला थे, उनके ऊपर किताब लिखी गई थी। तो रोज उनकी बालक क्लास होती थी, रोज वो उस किताब में से पढ़ते थे और प्रेरणा लेकर के रात भर सुरंग को खोदते थे। तो हमें भी यह भौतिक संसार में उनकी कारागृह से निकल के कहा जा रहा है, भगवान के नाम ले रहा है। तो हमारे लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है, हमारे लिए इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो हम लोग तीसरे श्लोक से पढ़ रहे हैं, अरविंद सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने अभय दान देव यदि हरि निवेदने। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, और कितनी सभ्यता है, चैतन्य महाप्रभु से कम 3 गुनी आयु के होंगे सार्वभौम भट्टाचार्य। चैतन्य महाप्रभु 24 साल में संन्यास लिए, उसके बाद जगन्नाथपुरी आ गए, थोड़ा दक्षिण भारत घूम के आए, और 25-26-27 ऐसी आयु है। और सार्वभौम भट्टाचार्य 70-75 के, लेकिन कितनी विनम्रता से बोल रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं अभय दान देवो यदि हरि निवेदने, यदि आप गुस्सा ना हो तो एक बात पूछू, ऐसा करके बोल रहे। डरते थे महाप्रभु से, बोले अगर आप गुस्सा ना हो क्रोधित ना हो तो एक बात पूछना। चैतन्य महाप्रभु प्रभु कहे कहो तुम्हें नहीं किछु भय, जो को हिले करीबो जो को हिले जाए। बोले बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, योग्य होगा तो स्वीकार करेंगे, क्योंकि नहीं होगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कहीं वरदान नहीं दिया, क्या कहीं वरदान पता है, दशरथ महाराज ने बोल दिया 2 वरदान देंगे, बाद में कह कहीं ने कोई वरदान देकर डुबा दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कह कहीं वरदान नहीं दिया, बोले योग्य होगा तो बताए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, महाप्रभु आप तो जानते हैं ये पुरी के राजा है, यहाँ राजा को तो जानते हैं, राजा का नाम है महाराज प्रतापपुर, आपने मुझे ये भी सुना है, तो फिर आगे आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे सुना आपसे नारायण नारायण, ये कैसी बात कर दी, तुरंत वहां से क्रोधित होकर फूट चले, बोले इस तरह बात मेरे सामने कभी मत करना, क्यों विरक्त संन्यासी अमार राजा दर्शन स्त्री दर्शन समय विषय भक्षण। मैं विरक्त संन्यासी हूँ, 7 वर्ष का मैं विरक्त संन्यासी हूँ, तुम चाहते हो कि मैं राजा से मिलूं, ये राजा से मिलना मतलब मेरे लिए विषय भोग के समान है। हमको कभी अवसर मिलता है किसी पॉलिटिशियन से मिलने का, तो हम फेसबुक पेज में वही प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, राजा दर्शन मतलब विषय भक्षण के समान है, तुम चाहते हो कि मैं इस तरह करूं। शास्त्र से श्लोक बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर एक बात, प्रभुपाद बोलते हैं आध्यात्मिक उन्नति जातवी कर्तव्य या तर्कबाजी नहीं है, वरन वह भौतिक संसार को पार करने के लिए एक अवसर है। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब ये नहीं है कि बाह्य रूप से लोग बहुत अच्छे से साधु बन गए हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारा ध्यान कहाँ है, विषय में। पिछली बार आया था तो आपको पापड़ साधु की कथा सुनाई, याद है, पापड़ साधु, एक साधु बहुत बिंदोली वाले से रिटायर है, जब 2-3 बार सुनाई शायद, तो ये साधु
जगह जगह विचरण करता था और विचरण करते करते बहुत थक गया, भूख लग रही थी। तो एक बूढ़ी माता से बोलता है, माता विश्राम दी। माता बोलती ठीक है आप बैठिए मैं रसोई करके आ। तो माता ने बहुत अच्छी रसोई की, उसमें सब्जी बनाई, रायता बनाया, कढ़ी बनाई, दाल बनाई, रोटी बनाई, चावल बनाए, मिठाई बनाई और पापड़ भी था। सब परोस दिया, पापड़ परोसना बच गया। अब वो साधु प्रसाद पा रहा है, पापड़ को देख रहा है, लेकिन बोले कैसे कि पापड़ छूट गया। तो बोलता है माता आपको पता है आज मुझे भगवान ने बहुत बड़े संकट से मिला। क्या हुआ? मैं रस्ते में आ रहा था, बहुत बड़ा सांप मिला। अच्छा इस एरिया में तो सांप नहीं, मैंने भी बहुत बड़ा सांप। कितना बड़ा सांप? बोले यहां से वो पापड़ तक इतना लंबा सांप। ये पापड़ सांप बाहर से आड़म्बर है साधु वर्ग का, लेकिन भावना का है विषय वस्तु। उस प्रकार से पापड़ सांप नहीं बनता है, वास्तव में हमारे जीवन में सतर्क रहना है कि कैसे इंद्रिय भोग के प्रति हमारी आसक्ति ना रहे। चेतन महापुरुष पर बताया है। एक बार श्रील प्रभुपाद से कुछ भक्त अलग अलग आइडिया लेकर के बोलते थे। भक्तों ने पूछा प्रभुपाद नाइट क्लब में प्रचार करने के लिए जाएंगे। प्रभुपाद क्या बोले उनको, जा सकते हो वापिस आ जाना, वापिस आना मत नहीं, सूरज से जाना। तो चेतन महाप्र यहाँ पर बताया, लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि हम प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि हम प्रचार करना बंद कर दें, कि हम किसी विषय में व्यक्ति से मिले ही ना, तो कैसे काम चले। उदाहरण आता है हनुमान। हनुमान जी जो लंका में प्रवेश करते हैं, हृदय राम कौशल धनराज, भगवान राम का चिंतन करते हुए जो लंका में प्रवेश करते हैं, उनको लंका की किसी वस्तु से आकर्षण नहीं, वो किसी वस्तु से प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि भगवान राम की सेवा करना चाहते। हम लोग पिछले सत्र में भी चर्चा कर रहे थे, अगर पेट पहले से भरा हो सामने आप कुछ भी ले आए कुछ भी नहीं खा सकते। तो पहले से यदि हृदय में भगवान अवस्थान करते हो तो विषय वस्तु हमको प्रभावित नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार भक्त लोग प्रयास करते प्रचार करते, लेकिन अगर प्रभावित हो रहे हो तो हमको ये अलर्ट समझ जाना चाहिए कि ये स्थान हमारे लिए नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु उस तरह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं एक राजा है, ये ऐसा वैसा राजा नहीं कि डिवोटी राजा है, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। ये श्रेष्ठ भक्त राजा है, जगन्नाथ का सेवक है, आपका ही अनुयायी है, तो इसको कहने से आपको क्या दिक्कत है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं दसम श्लोक, प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पकार काष्ट नारी स्पर्श जई छे उपजे विकार। चेतन महाप्रभु बोलते हैं जो भी हो लेकिन है तो राजा। राजा का मतलब ही है कोबरा सा। कोबरा के साथ आप कितने रह सकते हैं, एक घंटा, आधा घंटा? अभी गोरा प्रेम को माइक पे बोलते कि यहाँ बाहर पार्किंग में कोबरा देखा गया, तो यहां से सब आ गए, कोबरा के साथ कोई नहीं रह सकता। चेतन महाप्रभु बोल रहे हैं कि यह बहुत ही रिस्की है, बहुत खतरा है इसमें कि हम राजा का दर्शन करें, क्योंकि विषय व्यक्ति को देख करके विषय भोग की इच्छा आ जाए, यह सबसे बड़ी समस्या है। हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होगी, फिर हम देखेंगे कि हमारे साथ वाला व्यापारी ने बड़ी गाड़ी खरीदी, फिर हमारे अंदर भी इच्छा आ। तो यह इच्छा कैसे आती है, यह सांप की जैसे आती है। तो चेतन महाप्रभु बोल रहे हैं कि इस वस्तु से हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का पतन हो गया थोड़े से इंद्रिय प्रलोभन से। विश्वामित्र कितने हजारों साल तपस्या कर रहे थे, थोड़ी सी छन 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 सुना बस चले। पहले इंद्र इत्यादि उर्वशी को भेजते थे। उर्वशी मतलब क्या है पता है? उर्वशी नर नारायण ने अपनी जानकों से उत्पन्न किए, इसके नाम है उर्वशी। अभी उर्वशी का लेटेस्ट वर्जन क्या है, जानवरों का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, लैप, लैपटॉप। फिर वो लैपटॉप से पॉपटॉप, आईपैड, मोबाइल फोन, ये सब उर्वशी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए, हम लोग क्या विषय भोग से नहीं गिरेंगे? यह बहुत रिस्की है।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि इन वस्तुओं से हमको दूर रहना चाहिए। और फिर श्लोक के बाद श्लोक बोलते हैं कैसे राजा इत्यादि से दूर रहना चाहिए, और फिर चेतावनी देते हैं बार बार श्लोक ऐसे बात पुनरति मुख्य नानिबे कहो यदि कभे हमारे इतना देखिबे। दोबारा यदि ऐसी बात मेरे सामने की, मेरा संन्यास इतना सस्ता नहीं है, दोबारा अगर ऐसी बात की तो तुम पुनः मुझे यहाँ पर नहीं देखो। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत डर गए, डर करके अपने घर में वापस चले। घर में जा करके सार्वभौम सोचने लगे, वासाय किया भट्टाचार्य चिंतित होएगा, सोचने लगे। क्यों सोचने लगे? क्योंकि महात्माओं का एकमात्र उद्देश्य होता है कैसे मैं जीवात्मा को उठाए। बड़े लोगों की बड़ी चिंता होती है, हमारी चिंता कितनी होती है, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, घर की, रिश्तेदार की। महात्मा लोगों की चिंता होती है कैसे मैं जीवात्मा को उठाए। तो वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कैसे प्रताप पुत्र छूट गए। महाप्रभु ने तो मना कर दिया मैं कैसे, और पुनः क्या करने के लिए मना कर दिया। अब क्या प्रताप पुत्र को कृपा नहीं मिलेगी? मैं सोचता ये भक्तों का करुणा होती है। करुणा भक्त का पहला लक्षण है। दूर से देख करके भक्त बता सकते हैं उनके अंदर करुणा है। जैसे शिखर प्रभुपाद किस प्रकार करुणा की, जब ये पुस्तकों को प्रभुपाद ने लिखा मुख्यतः चैतन्य चरितामृत जो लिख रहे थे, जिस स्पीड से लिख रहे थे भक्त लोग, उस स्पीड से उसका ट्रांसक्रिप्शन करना, एडिटिंग करना वह नहीं कर पाए। भक्तों की टीम थी, पूरा पीपीटी ऑफिस था, फिर भी नहीं कर पाए। और चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद चाहते थे चैतन्य चरितामृत 2 महीने के अंदर प्रकाशित हो जाए। बहुत कठिन काम है, हम लोग थोड़ा बहुत प्रकाशन की सेवा कर रहे हैं, एक पुस्तक निकालने के लिए कितनी मेहनत करती है और कितने भक्तों का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद दिन भर प्रचार कार्य करते हैं, और उस समय पर कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई फोन, कुछ भी नहीं था। पत्रों से विश्वव्यापी संस्था को चलाने वाले आचार्य, कितना उनके ऊपर भार हुआ। उसके बाद रात भर बैठ करके पुस्तकें, भक्तों को बड़ी कठिनाई होती थी कि 2 महीने में कैसे प्रकाशित होगा। फिर भी प्रभुपाद के प्रति उनका समर्पण, 2 महीने के अंदर उन्होंने चैतन्य चरितामृत की 17 खंड प्रकाशित कर दिए। श्री प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए, प्रभुपाद ने बोला जी पूरी चैतन्य चरितामृत की जो टीम है पूरे की पूरी भगवत धाम में आई। भक्तों को फिर भी सोच रहे थे कि प्रभुपाद ने क्यों इतनी जल्दी मचाई। वैसे तो इतनी जल्दी नहीं है, भगवत एक ही खंड में आ रहा था, एक एक खंड के एक एक चैप्टर आते थे। नवीन चैप्टर जब आते थे, जैसे न्यू वृंदावन इत्यादि मंदिरों में एक प्रति आती थी, जैसे ध्रुव महाराज का एक चैप्टर, भक्त लोग बांट बांट के पढ़ते थे, एक चैप्टर की एक कॉपी, फिर दूसरा चैप्टर आया, ऐसे आते थे। तो फिर इतनी जल्दी क्यों मचाई? यह चैतन्य चरितामृत छपने के कुछ ही समय बाद एक चैतन्य चरितामृत का मायावाद भाष्य छपा इंग्लिश में। और क्योंकि प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत पहले से छप गई थी और भक्तों की लाइब्रेरी में स्टैंडिंग ऑर्डर ले लिए थे, सब जगह प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत पहुंच गई और वो मायावाद भाष्य की चैतन्य चरितामृत किसी ने नहीं दी। प्रभुपाद की कितनी करुणा है कि जीवात्मा को कैसे चैतन्य महात्मा की कृपा मिले, यही सार्वभौम भट्टाचार्य यहाँ पर सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कैसे प्रताप पुत्र को सेवा में। अभी उसी बीच प्रताप पुत्र जगन्नाथपुरी आ गए हैं, उनके साथ रामानंद राय इत्यादि सब आ गए। चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय थे रामानंद राय। रामानंद राय स्वयं चैतन्य महाप्रभु से दक्षिण भारत में मिले थे, प्रताप पुत्र ने उनको दक्षिण भारत किसी काम से भेजा था। और चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु दूर से समझ जाते हैं कि यह शुद्ध भक्त है। दोनों आलिंगन करते हैं, कुछ ब्राह्मण इत्यादि देखते हैं दूर से कि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होके निम्न वर्ण के व्यक्ति को आलिंगन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, हम रात में मिलेंगे, और रात में शुरू करते हैं कृष्ण कथा। इसके पहले अध्यायों में वर्णन आया है कैसे सुंदर प्रश्न चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं, रामानंद राय उत्तर देते। तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त हो गए थे, तो जैसे ही जगन्नाथपुरी आए वैसे ही रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के पास आए।
श्लोक नंबर 16 राय प्राणति कैल प्रभु कैल लिंगन दुई जने प्रेमा विषय करे न प्रणाम। तो जैसे ही रामानंद राय आए प्रणति मतलब दंडवत प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठा करके आ गए, दोनों प्रेमावेश में डूब गए और दोनों क्रंदन रोने लगे। जब इस प्रकार बाकी भक्तों ने देखा राय संगे प्रभु देखी स्नेह व्यवहार सर्व भक्त गणे मने वही तो चमकता है। सभी भक्त जो आसपास में देख रहे थे कोई सेवक है कोई सचिव है किसी को तो ऐसे गले लगा करके क्रंदन कभी किया नहीं। तो जैसे ही बाकी भक्तों ने देखा कि ये नया भक्त न्यू डिवोटी ज्वाइन हो रहा है और इसको महाप्रभु गले लगा करके रो रहे हैं तो बाकी सब लोग गुस्सा हो गए और चिढ़ने लगे चिल्लाने लगे चीखने लगे, है ना? ऐसा नहीं, उनके मन में चमत्कार हुआ कि ये कैसा भक्त आया है जिसने महाप्रभु को इतनी प्रसन्नता दी। ये भक्त समाज का गुण है, ये आध्यात्मिक समाज का गुण, जहां दूसरों के आध्यात्मिक उन्नति में प्रसन्न होते हैं। यह भक्ति का मार्ग दूसरों को आगे बढ़ाने का मार्ग है। यदि हमारे अंदर यही चेतना है कि दूसरे को क्यों कृपा मिल रही है, तो अभी भी हम भौतिक जगत में ही। मैं कल चर्चा कर रहा था एक घर में कि कई बार हम लोग कॉर्पोरेट की वीडियो देखते हैं, उनको एक्सरसाइज दी जाती है कि एक हाथ में आपको बलून पकड़ना है और एक हाथ में आपको पिन दिया है और बोलते हैं कि अभी एक्सरसाइज गेम ये है कि आपको अपना बलून बचा के रखना है अपने 10 मिनट के लिए, लेकिन अगले 30-40 सेकंड में सबके बलून फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरे हाथ में पिन दिए ना उससे दूसरे का बलून फटते हैं सर। एक्सरसाइज ये नहीं कि दूसरे का फोड़ रहा है, एक्सरसाइज की खुद का बचा रहा है, लेकिन भौतिक मानसिकता है दूसरों को कैसे दबाया जाए, आध्यात्मिक मानसिकता है कैसे दूसरों को उठाए। तो सभी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी प्रसन्न हो गए और रामानंद राय आते से प्रशंसा शुरू करते हैं प्रताप। चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं आज क्या दिन है, आज सभी की नीति की बात कर रहे हैं, पहले सर्वम आए अभी प्रताप रुद्र के बारे में रामानंद राय बोल रहे हैं कि मैं प्रताप रुद्र राजा के अधीनस्थ था, मैंने उनको जैसे ही बोला कि अब मैं सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपना पूरा जीवन देना चाहता हूँ। यह सुनकर के महाराज प्रताप रुद्र बहुत प्रसन्न हो गए। देखिए रामानंद राय प्रताप रुद्र के बहुत विश्वसनीय व्यक्ति थे कि प्रताप रुद्र बैठे उड़ीसा में और दक्षिण भारत में कार्य संभालने के लिए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, कितना विश्वसनीय पात्र होगा और वहां अगर सेवानिवृत्त होगा तो कितनी दिक्कत आएगी। लेकिन प्रताप रुद्र खुश हो गए, क्या बात, चैतन्य महाप्रभु को बताया और बोले कि मैंने उनको जैसे ही बोला कि अब मैं यह राजनीति में अपने आप को विषय वस्तुओं में अपने आप को संलग्न नहीं करना चाहता, चैतन्य चरण प्रभु यदि आज्ञा करें, यदि आप आज्ञा दें तो मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहता हूं। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने आपका नाम लिया तो प्रताप रुद्र की क्या प्रतिक्रिया हुई, श्लोक संख्या 20 तुम्हार नाम सुने राजा आनंदित होइला आसन होइते उठी मोरी आनिक नदन कैला। जैसे ही मैंने चैतन्य महाप्रभु अपना नाम लिया वैसे राजा प्रसन्न होकर के अपने राज सिंहासन से उठ गए और मुझे आगे। जब कोई भक्ति में आगे बढ़े उसकी सहायता करना, उसके लिए प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन हम सबका क्या भाव होता है, भगत सिंह बहुत अच्छा है बट मेरे घर में भगत सिंह नाम, हमारे गुरु महाराज जब अमेरिका में गए टेम्पल प्रेसिडेंट उनको इस तरह ही बोल रहे थे कि महाराज कुछ पुजारी भेजिए बंगाल से इंडिया से, हमारे मंदिर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो गुरु महाराज ने तो एक प्रश्न पूछा, तुम्हारा लड़का तो बड़ा हो गया है, तुम्हारे लड़के का क्या प्लान है? बोले नहीं नहीं महाराज उसको तो हम भेजेंगे लंदन पढ़ने के लिए। महाराज ने बोला यही समस्या है, आप जब अपने पुत्र को भक्त नहीं बनाना चाहते हैं आप कैसे दूसरों को प्रचार करेंगे। कोई भक्ति में आगे बढ़े तो प्रसन्न होना चाहिए। महाराज प्रताप रुद्र रामानंद राय को आलिंगन करते हैं और यहाँ पर महाराज प्रताप रुद्र की सिफारिश कर रहे हैं रामानंद राय, बोल रहे हैं महाप्रभु इतना आपको प्रेम करता है राजा कि जैसे ही आपका नाम सुनता है उसको प्रेम के तार आने लगते हैं, मेरा हाथ पकड़ करके
वह प्रेम में पूर्ण रूप से डूब गया, प्रीति विशेष, उनकी विशेष आपसे प्रीति है। तो ऐसे मैंने जैसे ही उनको बताया, उन्होंने मुझे बोला कि आपके परिवार की चिंता आपको नहीं करनी है, तुम्हारे जो बर्तन तुम्हें खाओ से बर्तन निश्चिंत भैया भजे चैतन्य चरण। मैं तुमको जितना वेतन पहले करता था मैं उतना ही वेतन ऐसे पेंशन दूंगा पूरा जीवन, तुम बस जाओ और चैतन्य महापुरुष से। जब कोई अपना जीवन भगवान को समर्पित करता है, खाने पीने की चिंता नहीं करना चाहिए। खाने पीने की चिंता कब होती है? जब हमारी भौतिक आसक्ति। भोजन अच्छा चिंता ना कुर्वन्ति विष्णव, विष्णव आचार्य बोलते हैं कि जो विश्वंभर जो पूरे विश्व को पोषित करते हैं, क्या अपने भक्तों की उपेक्षा करते थे? यहाँ पर जब महाराज प्रताप पुत्र देख रहे हैं राधा राय सेवा निवृत्त हो रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु आश्रित होंगे, घर कैसे चलेगा? मैं बोला पूरा वेतन मैं आपको दूंगा, आप सेवा कीजिए। अब आगे बोल रहे हैं प्रताप पुत्र रामानंद राय, बोल रहे हैं आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा में जा रहे हैं, बहुत खुश हूं, लेकिन मेरी भी अभिलाषा है। अमी छाद झुके नहीं तार दर्शने, तार जय भरी तार सफल जीवने। मैं पतित हूँ, मैं क्षार व्यक्ति हूँ, मेरा यह अधिकार नहीं कि मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करूं, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपको उनकी कृपा है, आपका जीवन सफल है। परम कृपालु ते मो ब्रजेन्द्र नंदन, कौन जन्मे मोरे अवश्य दिव्य दर्शन। लेकिन ईर्ष्यापूर्ण ये वाक्य नहीं, बड़े खुश हुए कि रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु की शरण में जा रहे हैं और बोल रहे हैं किसी न किसी जन्म में उनकी कृपा प्राप्त करने का अभिलाषा और उसके साथ भक्ति प्राप्त करने की तीव्रता दोनों। कई बार निर्मात्सरिता कैसी होती है, मान लो आपको गाना आता ही नहीं है ना, हमको कभी गाना आता ही नहीं, तो हमको जो अच्छा गाता है उससे मात्सरिता कभी होगी? कभी नहीं होगी। मान लो आपको अंग्रेजी बोलना आती नहीं, तो जिसको अंग्रेजी बोलना आती है उसे कोई मात्सर्यता होगी? नहीं। मात्सर्यता तब होती है जब लक्ष्य एक हो, एक ही सीट ऑफ कॉम्पिटिशन तब होता है। तो दोनों का लक्ष्य है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना, एक को कृपा मिल रही है एक को नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी मात्सर्यता नहीं है, यह प्रताप पुत्र का अगला लक्ष्य है। कैसे है उनका हृदय निंदा आदि शून्य? भौतिक संसार में हम देखते हैं कि यह स्पर्धा आपस वालों में ज्यादा होती है। चैतन्य महाप्रभु राजा का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, क्या क्या बात बोल रहे हैं, क्या वो विषय है राजनीति में लगा हुआ है? तो रामानंद राय कौन से पुजारी थे? रामानंद राय ने तो वही काम कर रहे थे, अंतर क्या है? तो प्रताप पुत्र ये नहीं बोल रहे हैं कि हम दोनों की जॉब प्रोफाइल एक है, आपको क्यों नौकरी मिली हमको क्यों नहीं मिली, ऐसा नहीं बोल रहे निर्माण से। और दूसरा सेवा करना चाहिए, जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है उसकी सेवा करना है, ये आध्यात्मिक जगत का लक्ष्य है। तो यह सब बात सुन के चैतन्य महाप्रभु की क्या प्रतिक्रिया है वह हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 26। प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भक्त प्रधान, तुम्हारे लिए प्रीति करे से भाग्यवान। यह नहीं बोल रहे हैं कि मुझे बहुत प्रीति कर रहा है, मेरा बहुत बड़ा भक्त है, बहुत वेरी गुड, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ये प्रताप पुत्र बहुत भाग्यशाली है, क्यों? क्योंकि तुम जैसे भक्त से वो प्रीति करता है, यह भगवान को ज्यादा प्रिय है कि हम कैसे भक्तों को प्रसन्न करते हैं, भक्तों की प्रसन्नता में भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे तो प्रीति भरले राजा, यही गुणे कृष्ण कार्य करीब अंगीकार। तो जो आपके प्रति इतनी प्रीति राजा की है, इसीलिए कृष्ण आपको अवश्य अंगीकार करेंगे। हम भक्तिवर ठाकुर के शिक्षाओं में पढ़ते हैं, शरणार्थ शरणागति होई वे जहां तहार प्रार्थना सुने नंद गोविंद। ये जो राधा गोविंद है ये सबकी बात भी नहीं सुनते, बांसुरी बजाते रहते हैं। कब कब उनकी बांसुरी लोग की बात सुनते हैं? भाई जब दो नवविवाहित कपल हो या प्रेमी प्रेमिका हो, तो तीसरे व्यक्ति को कब टाइम देंगे? जब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तो
तो राधा कृष्ण एटर्नल कपल, उनके पास तत्व टाइम नहीं है, तो किसकी बात सुनते हैं? शरण में शरणागति हो गए जहां तहां जब प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, जिनकी शरण में शरणागति है, देन देता है, आत्मनिवेदन है, पुत्र तिवरण इत्यादि आप जानते हैं, जो पूर्ण रूप से शरणागत है, उनकी बात सुनते हैं राधा कृष्ण। तो अब हमारा क्या स्कोप है? हमारा स्कोप ये है, जिनकी बात राधा कृष्ण सुनते हैं उनको अपनी बात बता देते हैं। इसलिए वैष्णव आवेदन कृष्ण दया, हम वैष्णवों को अपना आवेदन बताते हैं और वैष्णवों की बात राधा कृष्ण सुनते हैं। हम लोग फिर से प्रभुपाद के शिष्यों का उदाहरण ले सकते हैं कि प्रभुपाद के शिष्य किस प्रकार बुरी आदतों में थे। प्रभुपाद से मिलने के पहले क्या उनसे अपेक्षा की जा सकती शरण में शरणागति, इस प्रकार की अवस्था उनकी थी? लेकिन नहीं, उन्होंने एकमात्र अच्छा गुण अपनाया कि वो प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहे, बस प्रभुपाद की प्रसन्नता उनको एकमात्र उद्देश्य मिल गया। नहीं तो हम कल्पना कर सकते हैं 26 सेकंड एवेन्यू में जब प्रभुपाद ने प्रथम दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद नोटिस लगाया कांच के ऊपर कि जो दीक्षा प्राप्त की है उनको 4 नियम पालन करने हैं, 16 माला का जप करना है और हमारी क्लासेस होती है अटेंड करनी है। तो लोगों के लिए बड़ा सदमा था, ये पहले क्या बताया और अभी क्या बता रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने नियमों का पालन किया। और फिर उन्होंने देखा कि कैसे प्रभुपाद इतना कष्ट उठा रहे हैं विचार करने के लिए, तो एक नवविवाहित जोड़ा प्रभुपाद के पास आते हैं, मुकुंद और जैन। वो प्रभुपाद को बोलते हैं कि हम प्रचार करने के दूसरी जगह जाना चाहते हैं। प्रभुपाद बोले कहाँ जाओगे? बोले प्रभुपाद आप हैं इस पोस्ट में, हम वेस्ट पोस्ट जाएंगे, वेस्ट कोस्ट में सैन फ्रांसिस्को में जाएंगे, वहां बड़े हिप्पी है, वहां हम लोग प्रचार करेंगे। कोई धन नहीं, वही प्रभुपाद कह रहे हैं प्रभुपाद जैसे, कोई धन नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, सैन फ्रांसिस्को में चले गए। और कुछ ही महीनों में प्रभुपाद को पत्र लिख करके बुलाते हैं कि हम आपको प्लेन टिकट भेज रहे हैं, आप प्लेन से आइए। प्रभुपाद प्रथम बार एरोप्लेन में बैठते हैं और जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो कई युवक युवतियां प्रभुपाद का स्वागत करने के एयरपोर्ट खड़े थे, यह चमत्कार करके उन्होंने दिखाया। हम लोग इतने समय से प्रचार कर रहे हैं कि हम ऐसी भेंट अपने गुरु को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कुछ ही महीनों में इस तरह का चमत्कार, ये शक्ति कहां से मिली? शास्त्र बोलते हैं कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, जिनके अंदर कृष्ण शक्ति नहीं है प्रचार नहीं कर सकते। ये शक्ति कहां से आई? प्रभुपाद को प्रसन्न करने से आई। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का हृदय थोड़ा सा कोमल होता जा रहा है प्रताप भद्र की सेवा में। आगे का श्लोक भक्त सेवा के ऊपर है, अलग अलग शास्त्रों से, भागवत इत्यादि से। और उसके बाद जो पुरी के वरिष्ठ सन्यासी गण थे, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर इत्यादि, रामानंद राय सबको प्रणाम करते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं। श्लोक संख्या 35, प्रभु कहे राई राय देखिले कमल नयन, राय कहे एबे जाई पावो दर्शन। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या तुमने जगन्नाथ के दर्शन करे? नहीं बस अभी जाऊंगा, अभी जाकर के दर्शन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु अश्चर्य चकित हो जाते हैं, प्रभु कहे राय तो नहीं कि कार्य करिले, ईश्वर ना देखी केने आदि इच्छा आईले। ये क्या किया तुमने? पहले तो जगन्नाथ के दर्शन करना चाहिए, जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद तो मेरे पास क्यों आ गए पहले, ये कैसा काम किया? रामानंद राय बोल रहे, रामानंद राय सोच रहे हैं अभी तो हमको कंसेप्ट पढ़ाया फिर खुद ही भूल गए, अभी हमको खुद बोले भक्त सेवा से ज्यादा प्रीति भगवान होते हैं फिर खुद ही भूल गए। रामानंद राय बोलते हैं राय कहे चरण रथ हृदय सारथी, जहां लय जाए तहां जाए जीवरती। बोले मेरा हृदय सारथी है और मेरे पैर तो रथ है, जहां सारथी रथ को चलाए तो वहां मैं बहुत गिरी के रखती है। आमी की करे को मन याद आई नहीं ना, जगन्नाथ दर्शन विचार ना करेगा। तो इस प्रकार से रामानंद राय बोलते हैं मेरे मन में आए ही नहीं कि मैं जगन्नाथ के दर्शन करने जाऊं, मेरा मन यहाँ पर लेकर के आ गए तो मैं आपके पास आ गया। चेतन महाप्रभु बोलते हैं शीघ्र किया करो दर्शन, ऐसे घर जाए करो कुटुंब मिला।
तो तुरंत जाओ जगन्नाथ का दर्शन करो और उसके बाद घर जाकर के संपूर्ण। तो ये गुरु के प्रति समर्पण, चैतन्य महाप्रभु के समर्पण सारे अनुयायी का था। जब अलग अलग जगहों से खंड प्रस्थ से अलग अलग खंड प्रस्थ खंडवासी कुलीन वासी मायापुर वासी इत्यादि सब आते थे प्रथम चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए। हम लोग भी पुरी जाते हैं, हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ का दर्शन करने। ये गलती है, ये गलती पहले पहले हम महाराज होटल में देखे जाते हैं, उसके बाद में हम आनंद बाजार में पीछे जाते हैं, उसके बाद जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, फिर हम ढूंढते हैं यहाँ वहां पर उनके भी चरण थे और फिर गंभीर का बाद में नंबर आता है, इसलिए हमको जगन्नाथ कृपा नहीं देते। पहले गुरु, पहले आचार्य, पहले तुम ही जो देखा है भक्ति और पद तुलना तो कर रहे हैं। आपने जो आपको भक्ति का पद दिखाया है आपकी तुलना किससे है? हम कृष्ण को नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी को उनके प्रति प्रेम का प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी आ चुके। अब सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछ रहे मोर लगे प्रभु पादे कैक निवेदन सर्वभौम कहे कैनो अनेक जतन। 42 प्रताप रुद्र आते से एक ही प्रश्न पूछते हैं सार्वभौम, क्या मेरे लिए चैतन्य महाप्रभु से आपने आग्रह किया, क्या मेरे मिलने की कोई संभावना है? सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं बहुत हमने पापड़ देने अभी तक कुछ हुआ है। तथापि न करते हो राजा दर्शन क्षेत्र छड़ी क्या बेपुना यदि करी निवेदन। बोलते हैं खूब मिन्नतें करी, खूब प्रार्थना करी, फिर भी वो आपको नहीं मिलना चाहते हैं, राजा दर्शन नहीं करना। दोबारा पूछ लो, नहीं जी दोबारा नहीं पूछ सकते, दोबारा पूछेंगे पुरी छोड़ के जाने के लिए बोलते हैं। सुनिया राजा रवाना दुख उपजिला विषाद करिया किछु कही ते लागिला। बहुत दुखी हो गए सुन करके, विषाद में पड़ गए, दुखी हो गए और बोलने लगे। यह नहीं बोलने लगे कि देखो कितना अहंकारी सन्यासी है, मैं राजा हूँ कितनी बार मिलना चाहता हूँ, आपको भी बोला, आप भी बिना काम की सेक्रेटरी हो, हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करा सकते हो। दोष दर्शन जब तक रहेंगे कृष्ण दर्शन नहीं, जब तक दोष देखते रहेंगे कृष्ण को नहीं देख पाते। तो अपनी गलती देख रहे हैं, मुझमें क्या त्रुटि है जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु पापी ही उद्धारित अवतार जगाई मदाई कैला उद्धार। प्रताप रुद्र बोलते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर की पहचान होती है कि उसने कितने क्रिटिकल पेशेंट का इलाज किया है, यही तो अच्छा डॉक्टर है ना। एकदम जो मरने वाला था फोर्थ स्टेज कैंसर उसको सही कर दिया, उसकी ख्याति सब जगह चली जाएगी, हाँ ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो चैतन्य महाप्रभु ख्याति क्यों इतनी है कि जगाई मदाई का उद्धार कर दिया। जगाई मदाई इतने प्राप्त करते थे चित्रगुप्त की हाइडी से फॉलो होगी, उसने बोला इनका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कैसे मारेंगे पिटेंगे इनको। तो इतना भयंकर चला है पढ़ाई को भी उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु। लेकिन मुझे बोल रहे हैं कि मैं कुकर हूं, मैं विषयी हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं। नहीं क्या करती है चला पढ़ाई को उद्धार किया, लेकिन उनकी असली पति पावर कोड को तब सार्थक होगा जब मुझे उद्धार करें। प्रताप रुद्र छाड़ी करी पे जगत निस्तार यही प्रतिज्ञा करी करिया छेना उतार। यही प्रतिज्ञा करके आए हैं चैतन्य महाप्रभु, ऐसा लग रहा है कि पूरे जगत को उतार करेंगे केवल प्रताप रुद्र को छोड़ के, केवल मुझे छोड़ के सबका इलाज करेंगे, ऐसा क्यों है? तार प्रतिज्ञा मोहेना करी पे दर्शन मोर प्रतिज्ञा ताहे बिना छाड़ी को जीवन। उनकी अगर ये प्रतिज्ञा है कि मुझे नहीं मिलेंगे तो मेरी भी प्रतिज्ञा है कि मैं उनको मिले बिना, अगर मैं उनको प्राप्त नहीं करूंगा तो मैं जीवन को छोड़ दूंगा। यह भक्ति में निष्ठा होना बहुत आवश्यक है। ध्रुव महाराज की कथा में हम यही को सर्वाधिक समझते हैं, निष्ठा, डिटर्मिनेशन। कैसे दृढ़वान भक्ति में होना जरूरी है। ध्रुव महाराज को जब माता ने बोला कि जाओ वन में जाओ, नारायण वन में मिलते हैं ऐसा सुना है, 5 साल का बालक वन में चल देता है, दृढ़ता का लक्षण है।
या शारीरिक दृढ़ता का लक्षण है, चलो ठीक है छोटा सा बालक है चला गया मन में, शारीरिक दृढ़ता। मानसिक रूप से जो प्रताड़ित था, पिता ने उपेक्षा की, माता ने कठोर वचन करे, और मानसिक स्तर पे भी सुनीति ने बोला कि किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार मत रखो, मानसिक रूप से भी दृढ़ता दिखाई, और आध्यात्मिक रूप से दृढ़ता कब दिखाई, नारद मुनि आ, नारद मुनि आकर के प्रवेश करने लगे। बच्चे बड़े बुरा मानते, चलो पापा की गोदी में बैठना है ना, मैं जाके बोल देता हूँ। नहीं नहीं, अगर नारायण प्राप्त करने मदद करना है तो कीजिए, नहीं तो रास्ता दीजिए आगे जाकर दृढ़ता। तब जाकर के नारद मुनि ने उनको कृष्ण मंत्र दिया, वृंदावन का रास्ता दिखा। तो ये दृढ़ता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी थे, कोई पूछ सकता है कि महाराज प्रताप रुद्र आप बड़ी जिद कर रहे हो कि आपको भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा चाहिए, कृपा नहीं मिलेगी तो जीवन छोड़ दोगे, राज्य तो आप छोड़ नहीं रहे, आप उदाहरण दे रहे हो रामानंद राय का, रामानंद राय सब छोड़ के आए, अद्वैत आचार्य घर बार सब छोड़ के 4 महीने यहाँ रहते, 1 महीना आना 1 महीना जाना, 6 महीने यहाँ रहते थे। तो अद्वैत आचार्य को जब चैतन्य महाप्रभु अपना कृतज्ञता बताते थे, यही बोलते थे कि मोरला की स्त्री पुत्र ग्रहा भी छाड़िया, मेरे लिए स्त्री पुत्र बच्चे घर का ग्राम सब कुछ छोड़ के यहाँ आते हो, यहाँ पे समर्पण का लक्षण है। रूप सनातन क्या क्या छोड़ दिए, बड़ी बड़ी पत्नियां छोड़ के आ गए, रघुनाथ दास गोस्वामी सीईओ थे अपने कंपनी के, वह भी सब छोड़ के आ गए, तो सबने कितना कुछ छोड़ा, आप तैयार है क्या? प्रताप रुद्र आ गए, जदि से महाप्रभु नहीं कृपा न पाई कृपा धन किबा राज्य किबा देह सब आकरण, छोड़ने के लिए तैयार है, यदि यह मेरे भक्ति में अड़चन है तो किबा राज्य क्या राज्य है, किबा देह क्या मेरा शरीर है, सब आकरण सब व्यर्थ है, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये दृढ़ बढ़कर भक्ति में बहुत आवश्यक है। हम कृष्ण के लिए कितना त्याग कर सकते हैं यह बताता है कि हम कृष्ण को कितना चाहते हैं। रामायण में भी हम बहुत सुंदर ये कथा सुनते हैं, जब भगवान राम वन के लिए जाते हैं, लक्ष्मण आकर के बोलते हैं कि हम भी आपके साथ वन में जाएंगे, तो भगवान हमको बहुत तरह से बताते हैं, नहीं तुम्हें पिता की मदद करनी है, तुम्हें माता की मदद करनी है। तो लक्ष्मण बोलते हैं पिता तो आप ही हैं हमारे, पिता हमें कैसे, हमें बोले जब परशुराम आए थे जनक महाराज के दरबार और हमारी उनसे बहस हो गई थी, तो हमको तो वो खत्म करने वाले थे, तो आपने क्या बोला था कि ये छोटा बच्चा है मेरा, इसको माफ कर दो, उस समय आपने मुझे पुत्र रूप से स्वीकार किया था, पिता तो आप ही। भगवान राम क्या बोले, भगवान राम बोले कि अच्छा पिता से बड़ा माता होती है, तो माता के पास जाके आज्ञा लेके आओ। तो भगवान राम की आज्ञा मान के सुमित्रा के पास, सुमित्रा के पास जाकर के पूरी कहानी बताते, तो सुमित्रा डांटती है, तुम मेरे पास आए क्यों, तुम जो मुझसे आज्ञा मांगने आ रही, तुम्हारी गलती है, क्यों, मैं तो तुम्हारी माता हूं ही नहीं, कहा तो तुम्हारी बात मैं देगी, तुम्हारी माता मैं देगी है, पिता राम सब बात से नहीं, पिता राम है, तुम्हें हुई नहीं माता, तुम मुझसे मांगने क्यों आए। लक्ष्मण वापिस आ गए, अब लक्ष्मण जब वापिस आए तो भगवान राम हंस गए, अभी तो बोल के गया तो माता पिता सब, तो फिर माता क्यों गया पूछने के लिए। लक्ष्मण बोले मैं माता से पूछने नहीं गया, मैं कंफर्म करने गया था कि मेरी माता पिता है, तो अभी कंफर्म हो गया आप ही है। फिर भी भगवान राम बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम यहीं पर रुको, मैं जा रहा हूँ वन में, कुछ समय तो वापिस आ जाओ। तो वाल्मीकि अपनी रामायण में बहुत सुंदर बात है, वो बोलते हैं कि लक्ष्मण भगवान राम को अंतिम तक देते, वो बोलते हैं कि जब किसी वन में जल का अभाव होता है तो सारे पशु दूसरे वन को चले जाते हैं, पक्षी भी दूसरे वन के चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन जो जलचर प्राणी है वो कहाँ जाए, वो तो जल के ऊपर ही आश्रित देते हैं, अगर जल का अभाव होगा तो वो तो मर जाए, तो आप उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तब भगवान राम बोले हाँ तो पास आयोटी है। तो ये दृढ़ता भक्ति में बहुत आवश्यक है। प्रताप पुत्र ने बोले ये मंत्री सी बात है, राज्य छोड़ना है, घर छोड़ना है, सब छोड़ दूंगा, महाप्रभु की कृपा चाहिए। ये तो सुनी सार्वभौम होई का चिंते, राजा रानुग्रह देखी होई का विस्मय, सार्वभौम भट्टाचार्य विस्मित हो गए
इतनी प्रकार आसक्ति ये राजा की कैसे होते हैं, कैसे कहते हैं महाप्रभु इतना पागल है। सर्व भट्टाचार्य साहस देते हैं, भट्टाचार्य कहे देवना करो विषाद, तुम्हारे प्रभु अवश्य वही को प्रसाद। तुम चिंता मत करो, तुमको चैतन्य महाप्रभु अवश्य कृपा करें। अरे कैसे करेंगे, हमको तो मिलना भी नहीं चाहते हैं, कैसे करेंगे। सर्व भट्टाचार्य उपाय बताए, बोल रहे हैं ते हो प्रेमाधीन तुम्हार प्रेम गढ़कर, अवश्य करे बेन कृपा तुम्हारे ऊपर। बोले एक उनकी कमजोरी है, क्या कमजोरी है, वो प्रेमाधीन है, वो मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, वो प्रेम में पड़ जाते हैं, पर आपका प्रेम गाढ़ा है तो आपके ऊपर उनकी कृपा अवश्य होगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सार्वम भट्टाचार्य को उपाय बताया, गुरु का यही काम है कृष्ण से जीवात्मा को कैसे मिला उपाय बताया, पर्सनल गाइडेंस। बोलते एक तरीके से आप चैतन्य महाप्रभु को मिल सकते हो, जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रेम में मत हो जाएंगे और वो जगन्नाथ के रथ के सामने नृत्य करेंगे, इतना भाव में डूब जाएंगे कि उनको बाह्य चेतना नहीं रहेगी। और ऐसी स्थिति में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते 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 एक समय में अपना नृत्य रुकेंगे और गुंडीचा मंदिर के पास में एक उद्यान में चले गए। वह उद्यान में जाकर के चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम कर रहे होंगे तब हम सब आपको अवसर देंगे, आप अकेले जाना, कोई भी उस समय पर आएगा नहीं, आप अकेले जाना और ये राजसी वेश पहन करके मत जाना, साधारण वस्त्र पहन कर। देखिए पहले के जमाने में जब राजा महाराजा आते थे वो पालकी में बैठ करके मंदिर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि भगवान के सामने अपने ऐश्वर्य को बताना, हमें अपनी अपने आप कृपा से बातचीत करना है। मान लो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को बोले डॉक्टर साहब मैं एकदम फिट हूँ, मैं सुबह टहलने जाता हूँ, कोई मुझे समस्या नहीं है, 15 माले में एक बार में चढ़ जाता हूँ, जो गाता हूँ मैं बचा लेता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं, जैसे सोता हूँ एक घंटे में सो जाता हूँ, बिना आराम के ढूंढ जाता हूँ, डॉक्टर क्या बोलेगा। और तो और क्या बोलेगा, डॉक्टर के पास जाकर के अपनी कीमती बताने अपनी समस्याएं बता दीजिए। उसी प्रकार से भगवान के पास आकर के अपने ऐश्वर्य को बताएंगे, भगवान बोले ठीक है तुम लग रहे बहुत खुश हो भौतिक जगत में, तथास्तु। प्रभुपाद से ऐसे ही व्यक्ति ने बोला, प्रभुपाद ने प्रवचन में बोला भक्ति नहीं करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बन जाओगे, वो खड़े होकर के बोलते आपको कुत्ता बनने में कोई दिक्कत नहीं, प्रभुपाद बोलते ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं। जब व्यक्ति को कोई दिक्कत ही नहीं है भौतिक जगत में, क्या समस्या, लेकिन अपनी राशि देश को उतार के करना, साधारण भक्त बन के जाना। पर क्या क्या करना, वहां जाके रस पंच अध्याय पढ़ना, भागवत में 5 अध्याय जो रासलीला वर्णन करते हैं उनको पढ़ना। क्यों पढ़ना, उनको यह देखना चाहिए गुरु को क्या प्रसन्न है, हमारी इच्छा से नहीं। चैतन्य महाप्रभु का व्रत यात्रा के समय भाव है कि गोपियां कृष्ण को बहुत विराम में व्याकुल है और खींच करके वृंदावन ले जाना चाहती है, तो वो गोपी भाव में चैतन्य महाप्रभु रहेंगे, तो उनके भाव को मदद करने के लिए उस समय पर आप गोपियों का गीत करना। प्रताप रुद्र तैयार हो गए और इस प्लानिंग के साथ रेडी हो गए, लेकिन फिर भी मन में संशय था, अरे फिर उस समय डार्क पॉइंट तो बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा। सर्व भट्टाचार्य फिर थोड़ा सा साहस ले, श्लोक संख्या 15, रामानंद राय जी तुम्हारा प्रेम गुण प्रभु आगे कहते प्रभु फिर गे राम। चिंता मत करो, आदर नाम रामानंद राय ने पहले से कर दिया है, चैतन्य महाप्रभु के सामने आप इतनी प्रशंसा कर चुके हैं, पहले से ही चैतन्य महाप्रभु का मन आपके लिए बदल गया है, फिर गया है, इसलिए आप बेधड़क होकर के जाइए और जाकर के चैतन्य महाप्रभु को उस अवसर पर 10 पंच अध्याय सुनाना और उससे चैतन्य महाप्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु का प्रथम दूर से दर्शन प्रताप रुद्र करेंगे, अभी तक तो देखा भी नहीं केवल सुना है, दूर से चैतन्य महाप्रभु दर्शन करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के अध्याय का दर्शन करेंगे, कैसे रथ यात्रा निकलेगी,
रथ यात्रा के बाद उनको चेतन महाप्रभु के पास हरे कृष्ण। आपको क्या क्या बजा सकते हैं?